आज हम बनाएंगे गाजर से एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक और नई रेसिपी। यदि आप भी गाजर का हलवा बना बना के और खाकर बोर हो गए हैं तो गाजर की है नई रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, बच्चे बड़े सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको लेना है 1/2 किलो गाजर। इसे अच्छी तरह से हम धो लेंगे और छिलका निकाल लेंगे। अब इसके आगे और पीछे का जो भाग रहता है उसे कट कर देंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में रफली कट कर लेंगे। यह रेसिपी बनाने के लिए आपको ना ही ज़्यादा दूध की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही घी की, ना ही मिल्क पाउडर और ना ही मावा की। कम सामान में आपकी यह बहुत ही अच्छी गाजर की स्वीट डिश बनकर तैयार हो जाएगी। तो यह सारी गाजर को अब हम कुकर में डाल देते हैं और अब हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच दूध। आप चाहे तो यहाँ पर पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन दूध डालने से अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा दूध का यूज़ नहीं करना है आपको, सिर्फ 4-5 चम्मच ही दूध डालें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अब हम ढक्कन लगाकर लो फ्लेम पर 1 सीटी ले लेंगे। जब कुकर की 1 सीटी आ जाए तो गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और प्रेशर निकाल कर इसे खोल लेते हैं। गाजर को बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। अब देख सकते हैं कि हमने गाजर को ज़्यादा नहीं पकाया है, ये सिर्फ आसानी से कट रहा है, इसे और कुक बिल्कुल नहीं करना है। जो दूध था उसे भी हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे, इसका हम आगे यूज़ करेंगे रेसिपी में। अब हम इसे एक ग्राइंडिंग जार में डालते हैं सारी गाजर को और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। गाजर को पीसते वक्त बिल्कुल भी पानी या दूध का यूज़ नहीं करना है, हमने इसे पहले ही बॉईल कर लिया है तो ये आसानी से गाजर का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इसे अब हम एक फ्राई पैन में निकाल लेंगे। जिस भी बर्तन में आपको यह रेसिपी बनाना हो आप उसी में डायरेक्ट निकाल लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम गैस चालू करते हैं और लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें चीनी डालेंगे। तो चीनी मैंने यहाँ पर 2 से 3 चम्मच यूज़ की है। यदि आपकी गाजर फीका है तो आप ज़्यादा चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए पकाएंगे, अदरवाइज ये नीचे तली में चिपक सकता है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि गाजर लो फ्लेम पर जैसे जैसे पकते जाएगी इसका कलर चेंज होते जाएगा। तो जब तक हमारी गाजर लो फ्लेम पर पक रही है हम एक कॉर्नस्टार्च की स्लरी बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए जो गाजर बॉईल करते वक्त दूध बचा था वो उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच कॉर्नस्टार्च, इसे अरारोट का पाउडर भी कहते हैं। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लगे यदि ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो चलिए वापस अब गाजर वाली फ्राई पैन पे आ जाते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो गाजर का पेस्ट है वो हल्का सा गाढ़ा भी हुआ है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा आया है। हमने कोई भी फूड कलर का यूज़ नहीं किया है, यह ओरिजिनल गाजर का कलर है क्योंकि हमने इसे बॉईल किया था तो उसके बाद इसका कलर बहुत ही प्यारा आया है। तो अब हमने जो कॉर्नस्टार्च का घोल बनाकर रखा है वो हम इसमें मिक्स कर देंगे और लो फ्लेम ही रखेंगे। गैस का आपको पूरी कुकिंग के दौरान लो फ्लेम ही रखना है और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। कॉर्नस्टार्च का घोल डालने के बाद आपको चम्मच लगातार कंटिन्यू चलाते ही रहना है, अदरवाइज यह कहीं गाढ़ा हो जाएगा तो कहीं चिपक जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अच्छी तरह से कॉर्नस्टार्च का घोल मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट और पकाएंगे। आप देखेंगे कि यह गाजर का पेस्ट बार बार चम्मच में चिपक जाता है, तो इसे भी इस तरह से मिक्स करते जाना है, अदरवाइज़ वो कच्चा रह सकता है। 2-3 मिनट के बाद ही आप देखेंगे कि जो हमारा गाजर का पेस्ट था वो इस तरह से इकट्ठा होने लग जाएगा और तली छोड़ देता है। हमने बिल्कुल भी घी का यूज़ नहीं किया है इसमें, आप चाहे तो यहाँ पर 1-2 चम्मच घी का यूज़ कर सकते हैं, उससे अच्छी शाइनिंग आ जाएगी, अदरवाइज़ ऐसे भी बहुत ही अच्छी बनेगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे। तो जब तक ये गाजर का पेस्ट ठंडा हो रहा है आप कोई भी छोटे साइज़ की या बड़े साइज की कटोरी ले ले और उसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर ले, जिसमें भी आपको यह रेसिपी निकाल बनाना हो। आप चाहें तो इसे किसी ट्रे में या थाली में भी जमा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ की ये कटोरियाँ ली है जिसे घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया और उसमें 2-2 चम्मच के बराबर यह पेस्ट में डाल दूँगी। तो अब मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात याद दिला देती हूँ कि यदि आपको हमारी यह रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अभी आधा ही वीडियो हुआ है, आप ज़रूर अभी लाइक कर दें क्योंकि आप लोग वीडियो तो पूरा देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। तो अब हम सारी कटोरियों में यह मिश्रण निकाल लेते हैं और इसे चम्मच की सहायता से ही इस तरह से बिल्कुल लेवल में
प्लेन कर देंगे, जिससे ये बहुत ही अच्छा दिखेगा, उबड़ खाबड़ नहीं दिखेगा। मतलब प्लेन दिखती है ना तो बहुत ही अच्छा लुक आता है ना थोड़ा। तो इस तरह से सारी कटोरियों को आपको कर देना है। अब हम इसे फ्रीजर में रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 कटोरियों में इसे निकाल लिया है और कम से कम 2 घंटे के लिए आपको इसे डीप फ्रीजर में रखना है। मैंने इसे नाइट में शूट किया था, वीडियो बनाया था, इसलिए मैंने इसे ओवरनाइट रखा था और नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में 9 बजे के करीबन निकाला था। तो आप देख सकते हैं कि यह अच्छी तरह से सेट हो गया है। जब आप फ्रीजर से निकालें तो कम से कम 10-15 मिनट के लिए बाहर रूम टेम्परेचर पर रखें, उसके बाद ही इसे निकालिएगा। तो आप कॉर्नर्स को हम चाकू की सहायता से इस तरह से निकाल लेंगे सारी मिठाई की, और इसे 2 से 3 बार टेप करेंगे हथेली पे, और इस फिर आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी हमारी यह मिठाई बनकर तैयार हुआ है। तो यह गाजर का डिलाइट जो है सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है, और गाजर के हलवे से थोड़ा हटके भी बन जाता है, क्योंकि हम तो हमेशा गाजर का हलवा तो हम ऐसा ही बनाते हैं और बच्चों सब बड़ों सबको पसंद भी आता है। तो आप इस तरह से एक बार यह मिठाई गाजर की ज़रूर बनाइएगा। तो इसे थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए हम इस पर डेसिकेटेड कोकोनट नारियल का भूरा डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर बारीक कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, मलाई भी डाल सकते हैं, या रबड़ी के साथ भी इसे खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, अमेजिंग टेस्ट आता है इसका। तो मैं आपको चाकू से कट करके भी दिखा देती हूँ कि अंदर भी कितना शार्प है ये, कितना अच्छी तरह से सेट हुआ था। बहुत ही अच्छी मिठाई हमारी बनकर तैयार भी है। तो इसे आप चम्मच की सहायता से खाइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो हाथों से आप इसे नहीं उठा पाएंगे। तो यह हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डिलाइट लगता है। यदि आपको रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल।